दोस्तों छत्तीसगढ़ के बस्तर घूमने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क के घुड़मरास के पर्यटकों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए रिवर राफ्टिंग के बाद अब यहां कयाकिंग की भी शुरुआत की गई है। खुद नेशनल पार्क के डायरेक्टर और वन विभाग के अधिकारियों ने कांगेर नदी में कयाकिंग का लुत्फ उठाया। दरअसल कांगेर घाटी नेशनल पार्क में लगे घुड़मसार में इको विकास समिति ने कयाकिंग की शुरुआत की है, जिससे बस्तर आने वाले पर्यटकों को एक नया रोमांच का अनुभव मिलेगा। कांगेर घाटी नेशनल पार्क के संचालक गणवीर धमशील ने बताया कि कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंतर्गत ही घुड़मरास से लगी कांगेर नदी में गांव की इको विकास समिति के माध्यम से कयाकिंग का संचालन किया जा रहा है। कयाकिंग का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों को धरबा रोड से पैदावाड़ा बैरियर होते हुए घुड़मरास पहुंचना होगा। इको विकास समिति ने कयाकिंग एडवेंचर के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपए का शुल्क निर्धारित कर रखा है, जहां पर्यटक कयाकिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। नेशनल पार्क के संचालक ने बताया कि पर्यटकों को ये एक रोमांच के साथ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के प्रकृति और जैव विविधता को देखने का मौका मिलेगा। साथ ही पर्यटकों के रुकने के लिए स्थानीय युवाओं के द्वारा होम स्टे का भी संचालन किया जा रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पे पर्यटक बस्तियां व्यंजनों के साथ साथ बस्तर के आदिवासी कल्चर का भी लुत्फ उठा सकेंगे, साथ ही ठहरने के लिए बनाए आदिवासी हट्स में रह सकेंगे। संचालक ने बताया कि बस्तर के इको पर्यटन में कयाकिंग का अनुभव एक नया आयाम जोड़ेगा। इसका संचालन ग्रामीण युवाओं के द्वारा किया जाएगा, इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।